नमस्कार, मैं आयुषी शर्मा आपका स्वागत करती हूं केकेआर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जैसी नगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दिलीप पटेल पर दर्ज प्रकरण एवं जेल जाने की घटना अब तुल पकड़ गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिलीप पटेल के परिवार से मोबाइल पर बातचीत कर कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सागर आईजी एवं एसपी से मोबाइल पर बात कर दिलीप पटेल पर झूठे मुकदमे बनाए जाने पर नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के निर्देश पर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं विधायक हर्ष यादव, बड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक तरवर सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी एवं जिला कांग्रेस के संगठन प्रभारी वीरेंद्र गौर ने पुलिस अध्यक्ष अमित संघई से मुलाकात कर पूर्व मंत्री एवं विधायक हर्षवर्धन से कहा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जैसी नगर अध्यक्ष दिलीप पटेल पर तथाकथित भाजपा नेताओं के इशारों पर झूठे मुकदमे उप पुलिस अध्यक्ष स्तर के अधिकारी से जांच कराकर झूठा मामला का खात्मा लगाएं एवं दोषी जैसी नगर टीआई धाकड़ को निलंबित किया जाए। हर्षवर्धन ने चेतावनी दी है कि सुर्खी विधानसभा के साथ जिले में किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पर भाजपा नेता के इशारे पर मामले बनाए गए तो कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक आवाज उठाएगी और आंदोलन को मजबूत होंगे। पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि दिलीप पटेल झूठे प्रकरण को वापस ले, कांग्रेस लॉकडाउन के बाद जेल भरो आंदोलन चलाने के वादे होगी। विधायक तरवर सिंह ने एसपी से कहा कि सरकार आती जाती है मगर ऐसे राजनीतिक पार्टी के दबाव में कार्यवाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संभावित प्रवक्ता वीरेंद्र गौर ने कहा कि एसपी ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और आश्वासन दिया है कि निर्दोष को न्याय मिलेगा एवं जो पुलिस अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसे दंडित भी किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकुल पुरोहित एवं राम कुमार चौधरी भी उपस्थित रहे। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह मोहासा, सुरेंद्र चौबे, राम कुमार पचौरी, मुकुल पुरोहित ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि दिलीप पटेल को न्याय नहीं मिला तो वह लॉकडाउन खोलते ही अनशन पर बैठ जाएंगे। जिला सागर से NS पटेल की रिपोर्ट, KKR न्यूज भोपाल। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं दिलीप पटेल जी का मामला था, उनके ऊपर झूठा मामला बदजानती पूर्वक कहीं ना कहीं किसी के दबाव में, राजनीतिक दबाव में बनाया गया था शराब का। उस मामले में हम लोग ज्ञापन देने आए थे और पुलिस अधीक्षक से हम लोगों ने आगाही भी किया है कि जो हमारे जिले की फजा है कुछ लोग बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी के लोग जो ससम्मान जिंदगी जीते रहे हैं उन पर इस तरह के लांछन न लगाए जाएं और इस तरह की यदि कोई कार्रवाई हुई पुलिस प्रशासन द्वारा तो हम लोग कांग्रेस के लोग सड़क पर भी उतरेंगे और विधानसभा जो कि हमारा विपक्ष का सर्वाधिक मजबूत मंच है उस पर भी हम लोग कागज उठाएंगे। ये थाना जैसी नगर में एक प्रकरण के संबंध में माननीय विधायक देवी जी और माननीय विधायक बंडा और उनके साथ अन्य लोग आए थे और इनका कहना था कि प्रकरण एक आबकारी एक्ट का झूठा बना है और इसमें सही कार्रवाई नहीं हुई है। इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बीना को जाँच हेतु दे दिया गया है और उनको बोला है कि इसमें जल्द से जल्द जांच पूरी करके दें और फिर उनकी जांच के आधार पर जो भी परिणाम आएंगे।